Hello dear children, welcome to my EVS video class for 15th January 2022. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health. Do keep on following all the COVID protocols, keep on following all the safety precautions. Stay happy, healthy and safe children. We have completed chapter number 16. So today I'm going to start chapter number 17 which is एयर एंड वाटर. ठीक है, चैप्टर नंबर 17 मैं स्टार्ट कर रही हूँ. पेज नंबर इज 103. टर्न टू चैप्टर नंबर 17 इन योर ईवीएस बुक, पेज इज 103. ओके, नाउ इन दिस लेसन चिल्ड्रन, जैसे प्रीवियस लेसन में हमने अर्थ एंड द स्काई के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ इज कवर्ड बाई लेयर्स ऑफ एयर, इट इज कवर्ड विद लैंड, it is covered by layers of air and it is made up of land and water. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे. सो क्या पढ़ेंगे, जैसे हर लेसन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर देयर. सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में जैसे मैंने बताया था कि व्हाट ऑल आर यू गोइंग टू लर्न, इस लेसन में आप क्या क्या पढ़ोगे, लेसन पढ़ने के बाद आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, वो हम अभी इस लेसन में पढ़े. पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं. तो द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर LEARNING. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके लेसन के, OBJECTIVES. द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर, वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मतलब एयर के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उसकी विशेषता है, जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर, जैसे अगर हल्की हवा चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तेज हवा चलती है देन इट इज़ नोन एज, बहुत तेज हवा चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर एंड इट्स यूजेस, पानी हम कहाँ का यूज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग इस लेसन में, जैसे आपकी जो बुक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसको मैं थोड़ा शॉर्ट में करके लिख रही हूँ कि इस लेसन में वी विल टॉक अबाउट PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हम पढ़ेंगे, देन प्रॉपर्टीज ऑफ PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, sources of water, SOURCES, sources of water and uses of water. ठीक है, इस लेसन में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे. Now, first property of air, सबसे important चीज क्या है air के बारे में, कि air has no shape, air cannot be seen, air का कोई shape नहीं होता है, हमारे चारों तरफ एयर है. ये हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा कि अर्थ इज कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ एयर. ठीक है, वी कैन नॉट सी एयर, हमारे चारों तरफ एयर है लेकिन फिर भी उसको हम देख नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट सी इट, वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट ब्लोज, जब हवा चलती है तो उसको हम फील कर पाते हैं. ठीक है, वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन ओनली फील इट. देन एयर कॉजेज विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म. अभी विंड किसे कहते हैं, ब्रीज किसे कहते हैं एंड स्टॉर्म किसे कहते हैं, वो भी हम जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे. देन अलॉन्ग विथ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव. ठीक है, एयर हमारे चारों तरफ है, एयर इज एवरीवेयर, वी ब्रीद इन एयर बट स्टिल वी कैनॉट सी इट. ओके, देन वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वॉट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर, एंड वाटर का भी कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है. इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पोर्ड. पानी को जिस कंटेनर में भी हम डालते हैं, जिसमें भी हम रखते हैं, वाटर उसका शेप ले लेता है. वाटर हैज़ नो कलर, नो टेस्ट, नो स्मेल, नो शेप ऑफ इट्स ओन. ठीक है, फिर हम डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे वाटर के, जैसे सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है एंड गैस. ओके, देन वॉट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर एंड वॉट आर द यूजेज ऑफ वाटर. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर विद एयर. पहले हम एयर के बारे में पढ़ेंगे. एयर इज एवरीवेयर. ऑन पेज नंबर 103 यू कैन सी दिस पिक्चर. ठीक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो उसमें
वी कैन सी दैट द लीव्स आर मूविंग, ठीक है, पत्तियाँ उड़ रही हैं, पेड़ हिल रहा है, दैट मीन्स अभी हवा चल रही है. सो एयर इज एवरीवेयर, हर तरफ एयर है, इट इज ऑल अराउंड अस, एयर इज ऑल अराउंड अस, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह हवा है. इवन एम्प्टी बॉक्स, कोई खाली बॉक्स है, कोई खाली बॉटल है, सब में एयर है. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एम्प्टी बॉक्स ऑल्सो हैज एयर इन इट. इवन वाटर हैज एयर मिक्सड इन इट, पानी के साथ भी एयर मिली हुई होती है. आप कभी पानी में देखोगे, जैसे कभी तालाब वगैरह का पानी एकदम से शांत रहता है, कोई हलचल जैसे उसमें नहीं है. बट इफ़ यू थ्रो इवन अ स्मॉल स्टोन इन इट, छोटा सा पत्थर भी उसमें फेंक देते हैं, तो क्या होता है, उसमें पानी में बबल्स उठते हैं, देखा है ना. अगर ऐसे करके आप थोड़ा सा एकदम एकदम शांत है पानी, उसको थोड़ा हिला दिया हमने, तो उसमें क्या बबल्स उठते हैं. सो इट मीन्स दैट एयर इज मिक्स्ड विद वाटर ऑल्सो, पानी में भी एयर की प्रेजेंस है. कोई खाली बॉक्स है, खाली बॉटल है, हर चीज़ में एयर है. हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, सांस जब हम लेते हैं तो क्या होता है, एयर अंदर जाती है, बट वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को देख नहीं सकते हैं. वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट ब्लोज, ऐसे भी नहीं कि हम कहीं छू करके उसको हमने फील कर लिया. हवा को हम फील कब कर सकते हैं, जब हवा चलती है, ठीक है. जब हवा चलती है तो देखा होगा पेड़ के पत्ते हिलते हैं, धीमी हवा चलती तो धीमे धीमे हिलते हैं, तेज़ हवा चलती है तो बहुत तेज़ तेज़ हिलते हैं. तो वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट ब्लोज, जब हवा चलती है तभी हम उसको फील कर सकते हैं एयर को, ठीक है. उसको वी कैन नॉट टच, स्मेल और टेस्ट एयर, एयर को हम टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते. देन एयर हेल्प्स इन बर्निंग, एयर किस चीज़ में हेल्प करती है, एयर हमको कोई भी चीज़ को हमको जलाना होता है तो उसमें एयर हमें हेल्प करती है ना. एयर जैसे आप कई बार आग लगती, कहीं आग लग गई या किसी ने जैसे आग जलाई तो क्या होता है, देखा होगा आपने कि जैसे जाड़ों में आग जला करके लोग आग सेकते हैं, तो आग जब थोड़ी धीमी होने लग जाती है तो कोई चीज़ देखो उसको ऐसे 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 पंखा करते हैं, ठीक है ना. तो पंखा करने से क्या होता है, आग जब उसको हवा मिलती है तो आग और तेज़ी से जलने लग जाती है. तो एयर जो है वो जलने में भी हेल्प करती है, एयर हेल्प्स इन बर्निंग. जैसे जंगल में इसीलिए जब कभी आग लगती है बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है, एक तो क्योंकि जंगल में पेड़ हैं, लकड़ियां हैं, और सेकेंडली हवा जब चलती है, हवा चलती है तो बहुत तेज़ी से आग फैलती है, ठीक है. तो एयर हेल्प्स इन बर्निंग, कोई चीज़ को जलाने में हवा हेल्प करती है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, यू कैन से, जिसको हमने फर्स्ट टॉपिक लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. सो दीज यू कैन से आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, जो हवा की जो जिसको विशेषताएँ है बोलते हैं, ठीक है. टर्न द पेज चिल्ड्रन 104. अभी इस पेज में आप यहाँ पे देखोगे, जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज. जेंटली मूविंग मतलब जो बहुत धीमे धीमे थोड़े हल्के से जो हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ब्रीज. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड. जब हवा जैसे ब्रीज होती है तो जैसे कई बार गर्मियों के दिन में शाम को ठंडी ठंडी थोड़ी हवा चलती है, पीपल गो आउटसाइड, बाहर जाते हैं, कहते हैं सुबह ठंडी ठंडी से अच्छी सी हवा चल रही है, तो उसमें आप देखोगे पेड़ पौधे भी थोड़े धीमे धीमे हिलते हैं. फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. जो थोड़ी तेज़ हवा चलती है वो क्या होती है, उसको विंड बोलते हैं. विंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ, मतलब विंड का मतलब भी क्या, हवा ही है, लेकिन जो थोड़ी तेज़ जब हवा चलती है उसको हम कहते हैं विंड. ओके, विंड में आप देखोगे कि पेड़ जो है वो थोड़े तेज़ हिलते हैं, पत्तियाँ थोड़ी झड़ती हैं, ठीक है. बाहर हम कपड़े वगैरह डालते हैं तो देखा होगा ना कितनी तेज़ी से उड़ते हैं कपड़े सारे, दैट इज़ विंड. एंड वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म. जो बहुत तेज़ हवा चलती है उसको तूफान कहते हैं, स्टॉर्म जिसको हिंदी में हम तूफान कहते हैं. तो ठीक है ना, तूफान आप कई बार सुनते होंगे, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो समुद्र के किनारे जो एरियाज़ होते हैं, अक्सर वहाँ पे कई बार तूफान आता है. तो तूफान जब आता है तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ मतलब डिज़ास्टर, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, देयर इज लॉस ऑफ लाइफ्स, ह्यूमन लाइफ्स, लॉस ऑफ एनिमल लाइफ्स, कितना प्रॉपर्टी नुकसान होती है, इलेक्ट्रिसिटी पोल पूरे पूरे गिर जाते हैं, बिजली के पूरे पोल जो होते हैं वो पूरे गिर जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ जड़ से होकर के गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स आर डिस्ट्रप्टेड. स्टॉर्म कॉजेज लॉट ऑफ इसको कहते हैं नुकसान बहुत ज़्यादा होता है जब स्टॉर्म कभी आता है, तो तूफान जो होता है,
ठीक है. सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर. जैसे हमने यहाँ पढ़ा फॉर्म्स ऑफ एयर, सो ब्रीज, विंड एंड स्टॉर्म, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर. जेंटली मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज. ये आप याद रखोगे इसको, इसको मैं लिखवाऊंगी नहीं, बट दिस कैन कम एज मे बी वन वर्ड क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स और मे बी क्वेश्चन आंसर, कुछ किसी भी फॉर्म में ये आ सकता है. तो रिमेंबर दिस, ठीक है, कि वॉट इज जेंटली मूविंग एयर नोन एज, और जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड डैश, फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर इन वन वर्ड, जेंटली मूविंग एयर. तो ये जो बुक में जो चीज़ें हैं इसको मैं अभी नहीं लिखवा रही हूँ, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, तो जेंटली मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज, फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, एंड वेरी फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म. ओके, नाउ चिल्ड्रन देयर इज एक्टिविटी नंबर वन. ठीक है, ये एक्टिविटी है, इसका द एम इज टू शो दैट एयर इज प्रेजेंट इन सॉइल. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह एयर है, तो ये जो एक्टिविटी है इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी. ये एक्टिविटी मैंने आप लोग को EVS के एक्टिविटी के लिए भी दिया है, जो आप इवैल्यूएशन में, इवैल्यूएशन टू में, वन में, अभी तक आपने दो इवैल्यूएशन हो चुके हैं, तो यू हैव सबमिटेड वीडियोस फॉर इंटरनल असेसमेंट. तो अभी जो आपका इवैल्यूएशन 3 के इंटरनल असेसमेंट में EVS का जो एक्टिविटी है, देयर आर टू वीडियोस, वन इज एक्टिविटी एंड वन इज एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी. तो जो एक्टिविटी का वीडियो है उसमें आपको यही वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए उसका वीडियो बनाना है, और एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है, क्या क्या बोलना है, ये सब मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया है. ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द ऑनलाइन क्लास. एंड कि सिर्फ आपको एक्टिविटी करके नहीं दिखाना, उसके साथ में थोड़ा बोलना भी कि नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब आप क्या करने जा रहे हो, उसको करने से क्या हुआ, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन इन द ऑनलाइन क्लास. ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें द एम इज टू शो दैट एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल. इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, रिक्वायरमेंट्स आर अ ग्लास बाउल हाफ फिल्ड विद सॉइल, अ मग ऑफ वाटर. इसमें आपको क्या चाहिए, एक जो ग्लास का बाउल होता है, बाउल इसलिए ले रहे हैं बिकॉज इट हैज़ अ वाइड माउथ. ठीक है, यू कैन टेक अ ग्लास ऑल्सो, जो ग्लास का, कांच का जो ग्लास होता है वो भी ले सकते हो, बट उसका मुंह थोड़ा नैरो होता है, बाउल का वाइड होता है, इसीलिए बाउल लिया है. एंड इट शुड बी हाफ फिल्ड विथ वाटर, विथ सॉइल. ठीक है, इवन इफ यू टेक अ ग्लास, कांच का ग्लास भी लेते हो, तो इट शुड बी हाफ फिल्ड विथ सॉइल, मिट्टी से भरा होना चाहिए. ओके, ड्राई, गीली मिट्टी नहीं लेना है, सूखी मिट्टी. और आपको क्या चाहिए, अ मग ऑफ वाटर. ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा मग भी चलेगा, मग भी ले सकते हो. मग अगर नहीं मिल रहा, बॉटल ले सकते हो, मग आई एम श्योर सबके घर में होता है. अभी आपको क्या करना है कि जो आपने बाउल में जो सॉइल लिया हुआ है उसमें धीरे धीरे पानी पोर करना है, एक झटके में पूरा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डालना है, धीरे धीरे पानी पोर करना है. एंड जब आप पानी डालोगे उसमें, वेन यू पोर वाटर इन द सॉइल, यू विल सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल. जब आप सॉइल में पानी डालोगे तो आप देखोगे कि बबल्स आ रहे हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट एयर इज प्रेजेंट इन द सॉइल. ठीक है, तो ये एक्टिविटी मैंने क्लास में पूरा एक्सप्लेन किया कि आपको कैसे करना है. ये आपका EVS का जो प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए ही है. ओके, देन वॉट आर द यूजेज ऑफ एयर. एयर की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, मेन थिंग इज एयर इज इनविजिबल, वी कैन नॉट सी इट, इट हैज़ नो शेप, इट हैज़ नो स्मेल, इट हैज़ नो सेंस, नो स्मेल, वी कैन ओनली फील इट व्हेन इट ब्लोस. ओके, एंड एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. नाउ इसके यूजेस क्या क्या है एयर के, एयर इज हेल्पफुल टू अस इन मेनी वेज. और सबसे बड़ा यूज एयर का क्या है, वी ब्रीद इन एयर. सबसे बड़ा यूज तो यही है कि हम एयर को ब्रीद इन करते हैं, हम सांस लेते हैं. ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो क्या है, हवा को अंदर लेते हैं ना, देन इट हेल्प्स अस टू फ्लाई एन एरोप्लेन. जो भी चीज़ें आसमान में उड़ रही हैं, जैसे एरोप्लेन उड़ता है, तो एरोप्लेन अपने आप तो नहीं उड़ता है ना, हवा रहती है, हवा में एरोप्लेन उड़ता है, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. बलून जो हवा में उड़ते हैं, आप पतंग उड़ाते हो, तो ये सब क्या है, हवा में ही उड़ते हैं. तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब इस समय जैसे अच्छी जब हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा में भी पतंग नहीं उड़ पाती है, थोड़ी जब हल्की हवा रहती है तो उसमें पतंग अच्छे से उड़ती है. देन इट हेल्प्स अ बोट टू सेल. जो पानी में जो नाव चलती है या बड़ी बड़ी जो शिप्स वगैरह चलते हैं, वो सारे हवा के सहारे चलते हैं. जिस डायरेक्शन में हवा रहती है उस डायरेक्शन में बहुत ईजिली, थोड़ा ईजिली सेल होते हैं. देन इट हेल्प्स टू फ्लाई काइट. पतंग उड़ाने में एयर की, मतलब एयर हेल्प करती है.
बलून आप फुलाते हो, बलून में क्या है, बलून फुलाते हो तो उसमें हवा भरते हो ना मुँह से, या पंप से भी भरते हैं, जब आप हवा भर जाती है तो बलून बड़ा हो जाता है। और जैसे आप अगर जो बॉल्स होती हैं, वेदर इट इज़ फुटबॉल, क्रिकेट फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, आपकी रबर वाली बॉल है, टेनिस की बॉल है, एनी बॉल, उसके अंदर क्या एयर होती है, क्योंकि अगर बॉल फट जाती है तो क्या होता है, एयर सारी निकल गई एंड बॉल इज़ वेस्टेड। तो इन सारी चीज़ों के अंदर एयर होती है, जो व्हीकल्स के टायर होते हैं उसमें जो ट्यूब होती है उसके अंदर भी एयर होती है। तो ऑल लैंड ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट ट्रेन, ट्रेन के ऑफ कोर्स पहिए आयरन के होते हैं, तो उसको छोड़ करके जितने भी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है सबके जो टायर और ट्यूब जो होते हैं उसमें हवा रहती है। सो वी ऑल नो दैट एयर इज हेल्पफुल टू अस इन सो मेनी वेज। ठीक है, तो टुडे चिल्ड्रन आई विल स्टॉप हियर ओनली। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट एयर, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट वाटर। ओके, सो दैट इज ऑल, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।